हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले को पहले हम याद करेंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको यहाँ पर देखेंगे। ए पर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर टेक्स द वैल्यू वाई के लिए वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है। और ये क्रॉस पेंडिंग है टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू टू डॉट डॉट एक्स एन, यानी कि ये इसके संगत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है एक्स एक्स देखो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है। इस तरह एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन और वाई नॉट, इस प्रकार एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है, वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन माइनस वन वाई एन, ठीक है। ये फार्मूला और रियर इज नाउन एज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इंटीग्रल्स ऑफ इनइक्वल्स, ठीक है। तो ये भी कोई भी हमें वैल्यू यहाँ पर वाई वन वाई टू वाई थ्री के अलग अलग वैल्यू दे, उसके क्रॉस पेंडिंग एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो ये आपको फार्मूला याद करना है। इस पर इक्वेशन करते हैं, ठीक है। फाइंड एफ थ्री एंड एफ डैश थ्री बिलोइंग टेबल्स, ये हमें टेबल्स दी है यहाँ पर, इस पर हमें एफ थ्री और एफ डैश थ्री यानी कि यहाँ पर डिफरेंशियल करके उसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यूज दी है, एक्स की वैल्यूज क्या दी है, एक्स नॉट की वैल्यूज दी है जीरो, एक्स नॉट वन की वैल्यू दी है एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू दी है एक्स टू, एक्स थ्री की वैल्यू दी है फाइव, ठीक है। इस तरह एफ एक्स की वैल्यूज भी ये दी है, ठीक है, टू यानी कि एफ एक्स की वैल्यू यानी वाई वाली है ना, तो वाई नॉट की वैल्यू टू है, वाई वन की वैल्यू थ्री है, वाई टू की वैल्यू ट्वेल्व है और वाई थ्री की वैल्यू 147 है। तो एक्स एंड एफ एक्स आर गिवन, देखिए एक्स नॉट इज इक्वल टू वन जीरो वन टू फाइव जीरो वन टू फाइव, और ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, और वाई नॉट वाई टू वाई वन वाई टू वाई थ्री ये है टू थ्री ट्वेल्व और 147, ठीक है। इस प्रकार ये हमें वैल्यूज दी है जो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे देखिए यहाँ पर लैग्रेंज फार्मूलाज अब हम पुट करेंगे। लैग्रेंज फार्मूला ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट वाला था, यहाँ से वन शुरू हो जाएगा, यहाँ से टू हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है, वन माइनस नॉट यहाँ से वन माइनस थ्री बाई वन, ठीक है। ये वन वाली चीरी जा रही है, इसके नीचे टू वाली आएगी, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री बाई टू और वाई एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स थ्री बाई टू प्लस यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, नीचे देखिए एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने वैल्यू दिए, थ्री तक निकालनी है ना, वाई टू वाई थ्री वाई वन, यहाँ चार वैल्यूज दिए आपने देखी होगी तो आपने, तो इसलिए ये देखिए चार वैल्यूज दिए, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यहाँ से एन वाला फार्मूला है ना, ये एन वाला ये चार तक हमें लेना है, ये देखिए एन वाला है ना, एन यहाँ चार तक लेना है और इसकी भी वैल्यू चार दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स की जो एफ एक्स में यहाँ जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज है ना, जो जो आपको दी है, और वाई वन वाई आई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री की जो वैल्यूज है ना, जो जो वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है, जैसे एक्स टू की वैल्यूज क्या थी, एक्स टू वन की वैल्यूज आपको क्या क्वेश्चन पे दिए, तो ये हमें वैल्यूज दिए तो हमने पुट कर दी। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स फाइव जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो माइनस फाइव, और इसकी टू वैल्यूज दी थी, ठीक है, वाई नॉट की। इसी तरह एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव वन माइनस जीरो वन माइनस टू वन माइनस फाइव थ्री, ठीक है, वैल्यूज पुट की, बाकी कुछ नहीं किया। एक्स माइनस नॉट एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव टू माइनस जीरो टू माइनस वन टू माइनस फाइव ट्वेल्व, इसे प्लस एक्स माइनस नॉट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फाइव माइनस जीरो फाइव माइनस वन फाइव माइनस टू वन फोर सेवन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्यूशंस करेंगे इसका, जब हम यहाँ पर यहाँ इसका जो है ना, इसको यहाँ से ये दो ये जो भी है ना, ये इसको इस फंक्शन इस फंक्शन इस फंक्शन इस फंक्शन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यूज प्राप्त होगी। एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, आप देख सकते हो करके, और या ये हमें एफ एक्स की वैल्यूज प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स यहाँ से माइनस वन और इसका जीरो हो जाएगा, ये एफ डैश इसका अवकलन कर दिया। नाउ एफ थ्री, एफ थ्री की वैल्यू यानी एक्स की जगह एफ थ्री निकालना है, यानी एफ थ्री जो हमें क्वेश्चन में कहा था, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा था
कि एफ थ्री और एफ डैश थ्री, तो एफ थ्री की वैल्यूज देखिए 3 क्यूब + 3² - 3 + 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 क्यूब 27 + 3² ये 35 आ गया, ठीक है। तो एफ थ्री की वैल्यूज जो यानी एफ थ्री का आंसर 35 आ गया, और एफ डैश थ्री यानी एफ डैश थ्री यहाँ पर करेंगे तो 3 का स्क्वायर (+2)-1 3 का स्क्वायर यानी 9 = 27 + 6 - 1 तो यहाँ से इसको जोड़ के 32, तो एफ थ्री और एफ डैश थ्री की वैल्यू जो हमें कहा था 35 और 32 प्राप्त हुई लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इस प्रकार ये फार्मूला याद करना आपको क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।